हेलो दोस्तों, आज मेरे पास रेडमी एट है। इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है, फेक चार्जिंग। ठीक है, इसमें जो आपका चार्जिंग एम्पेयर है कुछ भी नहीं है, जीरो है। थोड़ा सा चार्ज लगाते समय लेता है और उसके बाद थोड़ी देर में छोड़ देता है। तो आप अगर कंडीशन देखोगे इसकी, तो देखो कहीं पे बहुत ज़्यादा इस टाइप का हुआ है यहाँ पे कार्बन। देखो अब किसी ने बनाने की कोशिश की है लगता है मेरे को। तो देखते हैं हम इस टाइप की प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी, यहाँ पे छेड़खानी नहीं हुई है, बोर्ड फ्रेश है, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, हाथ के पर बाकी जगह एकदम ओके है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैटरी कनेक्टर की कंडीशन ये है और बाकी आप देख ही रहे हो यहाँ पे क्या हालत है इसके। तो इसको हम कर लेते हैं क्लीन। और इसमें देखो हम मेनली ये चीज़ देखेंगे कि जिसको चार्जिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो हम किस किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, या ये सोच के चलो कि आपको चार्जिंग किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्या क्या ज़रूरी होता है, उस चीज़ को हम कम्प्लीटली देखेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कनेक्टर को क्लियर कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा छिड़खानी हुई है। चलो इस टाइप की प्रॉब्लम को ये रहा। जो आप बिगिनर लोग हो, जो मतलब सीख रहे हो आप, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। आपको एक एक स्टेप देखोगे तो और ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा। और आप अगर देखो इसमें ज़्यादा क्या होता है कि आपको कहानी समझ में आना ज़रूरी है। तो अगर आपको कहानी समझ में आ गया तो आप कोई भी बात रिपेयर कर सकते हो, किसी भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप क्या करते हो, सिर्फ वीडियो को कैसे बनाया है उस चीज़ को देखते हो, बीच में का किसी भी चीज़ को आप नहीं सुनते या नहीं देखते। तो उस चीज़ का खास ख्याल रखें। आप वीडियो को अगर देख रहे हो तो थोड़ा सा कंप्लीट देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। हर किसी वीडियो में यही कहानी है, अगर आप थोड़ा सा भी बीच में छोड़ लोगे तो बीच में क्या बात हुई थी वो किसी को पता नहीं चलेगी। तो आप थोड़ा सा कम्प्लीटली देखने की कोशिश कर लेना ताकि पूरी कहानी समझ में आए। ओके, तो ये तो हमारा हो गया क्लीन। ठीक है, अब लग रहा है थोड़ा सा अच्छा। चलो कनेक्टर ओके है, चार्जिंग फ्लेक्स कनेक्टर। देखो आपको मैं स्कीमेटिक के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमको यहाँ पे मेनली देखना क्या क्या है। ओके, तो ये रहा हमारा चार्जिंग का जगह और ये जो हमारी आईसी है U2300, तो ये हमारी OVP यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे होता है CPU की साइट, चार्जिंग IC के पास में है। ठीक है, और अगर इसमें दिक्कत हो तो देखो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे C2300 पे और C2306 पे, अगर इसी चीज़ को दिखाएंगे तो ये देखो। उसके बाद हमको दिखना होगा C2101 पे। तो अगर यहाँ तक वोल्टेज पहुँच गया तो हमारा चार्जिंग जो आपका क्या कहते हैं 5 वोल्टेज की लाइन ओके है। ठीक है, और चीज़ भी देखना है इसमें हमारा, आपको मैं एक एक करके दिखाते हुए चलूँगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देख लेना।
ताकि पूरी कहानी समझ में आए। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया था अभी स्केमेटिक आपको, इसमें OBP स्टील से ढका हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, डायरेक्ट जहाँ पे ऐसे OBP को बाईपास करके जहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए वहाँ पे हम देखते हैं, यानी कि अगर OBP ओके है तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाना चाहिए, वो चीज़ ज़रूरी होता है इसमें। ओके तो चार्जिंग लगा लेते हैं और इसको देखो मल्टीमीटर में ध्यान देना। चलो अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ गया, ठीक है, तो हमारा OBP जो है ओके, यानी कि IC की अंदर तक 5 वोल्टेज जा रहा है एक। और इसमें दूसरा होता है हमारा मिड लाइन, ठीक है, जहाँ पे 5 वोल्टेज आना चाहिए। ये देखो सेम वोल्टेज, यानी कि जो चार्जिंग के लिए वोल्टेज होता है इसको स्टोर करने का काम होता है। अगर इसमें ये वाली वोल्टेज नहीं आएगी तब भी आपका फेक चार्जिंग हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा बूट वोल्टेज बनना चाहिए, एक साइड VPS और एक साइड 8 वोल्टेज जो बन रहा है, ये भी ज़रूरी है। ओके अब यहाँ पे देखते हैं, चलो और हमारे लिए इम्पोर्टेंट देखो DM और DP बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम देखते हैं DM और DP कहाँ पे बने हुए हैं। ये देखो DM और DP T2421 और TP2415 पे, तो देख लेते हैं TB2421 और TB2415। ये देखो ये दोनों, इन्हीं दोनों को हम PCB में चेक करके देखता हूँ क्या कंडीशन है इनका। चलो पहले तो हम वोल्टेज ही देख लेते हैं, कुछ भी नहीं, और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं। तो एक बार कूल टेस्टिंग करके भी देख लेते हैं, बैटरी को निकाल लिया, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है उसको चेक करके देख लेते हैं। एक सेकेंड, देखो वोल्टेज कुछ भी नहीं है। चलो अब देखते हैं कूल, ये रहा डायोड मोड, अगर आप डायोड मोड में चेक कर रहे हैं तो एक सेकेंड, ए लाइन शॉर्टिंग है और ए लाइन प्रॉपर है, यानी कि हमारी जो एक लाइन है वो शॉर्टिंग है। तो कोशिश करते हैं कि हम इसका शॉर्टिंग हटा सकें, और इसमें शायद DM का लाइन कौन सा है अभी देखते हैं। एक लाइन अगर DM का ही लाइन है, अगर इस लाइन में शॉर्टिंग हट गया तो फेक चार्जिंग का इलाज हो सकता है, ठीक है। मैं कुछ ये देखो मैं इसमें DC पावर सप्लाई से वोल्टेज दे रहा हूँ और 5 एम्पीयर के साथ में, चलो ठीक है ठीक है। एक बार देखते हैं, नहीं गया अभी तक, फिर से थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा के देख लेते हैं। नहीं, चलो एक
बार चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो सॉर्टिंग नहीं हो सकता, फिर भी देख लेते हैं। देखो कुछ भी सॉर्टिंग नहीं है, एक एम्पियर ले रहा है, फिर भी किसी पे सॉर्टिंग नहीं दिखाया है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इसका जो सॉर्टिंग है उसको हटाने का ट्रिक। देखो अगर आप इसमें वैल्यू दिखाओगे तो वैल्यू प्रॉपर आ रखा है अभी, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ आपको, और ये हमारा हो गया पैकिंग, और ये लग गया हमारा चार्जिंग। और चार्जिंग तो दिखा दिया, लेकिन एक सेकेंड, ये देखो ओम डीसी पावर सप्लाई में देखो 1.9 एम्पीयर ले रखा है। एक बार इसको थोड़ा सा ढंग से नहीं दिखा, लेकिन अभी 1.9 एम्पीयर ले रहा है। मैं इसको ऑन करके चेक करके देखता हूँ ऑन करके क्या कंडीशन है इसका, ठीक है। अगर ऑन करके भी ठीक ठाक कंडीशन है तो इसको पैक कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको सेट को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद में इसका जो चार्जिंग एम्पियर है उसको चेक करके देख लेते हैं। एक सेकंड, चलो सेट हो गया चालू, ठीक है। और हमारा जो चार्जिंग प्रॉब्लम था फिक चार्जिंग का वो हो गया सॉल्व। तो इसमें हमको मेनली चेक क्या क्या करना है, आपका रिवर्स लाइन हो गया, आपका बूट वोल्टेज हो गया, ठीक है, आपका DM/DP लाइन हो गया। इन चीज़ को आप मेनली चेक करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसका मैं कोई एक कंप्लीट फ्री वाला जो वीडियो है वो आपको बना के किसी टाइम इसका दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसको जब तक मैं स्कीमेटिक के थ्रू कम्प्लीटली नहीं समझाऊंगा तब तक आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, लेकिन फ़िलहाल आप इस टाइप से आपका जो चार्जिंग फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने किस किस चीज़ को चेक किया अगर उसी चीज़ को भी आप चेक कर लोगे तो लगभग आपका 80% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।